तो दोस्तों जिनसे हमने यहाँ भैंस ली है उनसे भी अभी आपको मिलाते हैं आगे। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये एड्रेस क्या पड़ जाता है अपनी डेयरी का? ये मुक्सर में जोधपुर कॉलोनी श्री मुक्सर साहब जी मेन सिटी में। हाँ जी मेन सिटी जी। तो कब से अपना काम है ये? ये हमारा तीसरी पीढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मिंटा जी। मिंटा। तो और जैसे फादर साहब का नाम जी डीसी। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे मतलब भैंस दिलाते हैं, क्या सिस्टम रहता है? जैसे ये हम खुद के पास भी दिलाते हैं, घर से भी। जैसे देखा मतलब आपके पास थी पहले वो देख ली और जो नहीं मिली तो बाहर से जा जाके। तो क्या रेट से क्या रेट तक रहती है जैसे भैंस? 80,000 से लेके 1.5 लाख। वो तो भैंस पे डिपेंड करता है क्वालिटी पे। और दूध लगभग कैसे? क्या दूध लगभग 12 लीटर से लेके 18 लीटर। 12 से शुरुआत रहती है यहाँ की जी। तो ये कैसे क्या भैंस दिलाएंगे? जैसे ब्याज बता दें इनका। जैसे ये पहला पड़ी है जी। ये पहला पड़ी है। हाँ जी। ये कौन से एरिया से हम लोग गए थे? ये हरियाणा से लिए जी। हरियाणा से। अच्छा डब वाली। वो डब वाली की। ये पहला पड़ी है ना? हाँ जी। दो दांत है। दो दांत में। हाँ जी। तो इससे आपको क्या उम्मीद है दूध की? जैसे ये दूध देगी पड़ी है जी 13-14 लीटर। 13 लीटर। हाँ जी। तो अंकल जी भी आ गए अभी। अंकल आइए। हाँ भाई नमस्ते बेटा जी। तो इन्हीं से ले जाते हैं आप हमेशा? बता देते हैं। इन्हीं से ले जाते हैं। करीब आज 10 साल से। 10 साल से यहीं से जा रही हैं। जो अपनी गाड़ी आया करती हैं लोग हैं सब यही लोग भेज देते हैं। इस बार तो घूमने ही आ गए आप। इस बार घूमने आ गए जी। तो ये क्या कौन से ब्याज की ये वाली? जैसे आप दूसरा ब्याज। हाँ जी 15 लीटर दूध आज हाजिर है इसके। अभी हाजिर है। तो कितने दूध की उम्मीद है? पूरे पे जाएगी 18 लीटर बढ़िया दूध देगी। 18 लीटर। अभी तो सब खाली है क्योंकि लोड नहीं है। बिल्कुल खाली है। कोई वो भी नहीं है। जी लोड करने का टाइम है। तो जैसे यहाँ पर कोई आता है आपके पास और वैसे लखनऊ से और लोग भी आते होंगे हमारे यहाँ? हाँ जी लखनऊ के आते हैं कस्टमर ज्यादा चंडीगढ़ के। अच्छा चंडीगढ़ और लखनऊ आपकी आया करती हैं। ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर आपका क्या हो जाता है? जैसे 9419799766316316। तो यहाँ रुकने रहने की सब व्यवस्था है? सब व्यवस्था एक नंबर हो रहे जी। अंकल जी से पूछ रहे थे। अंकल जी कैसे यहाँ? ठीक है। इनके यहाँ खाना पीना नाश्ता टाइम से मिलता है। बढ़िया। कोई आए तो आराम से रुकने की व्यवस्था सब है पूरी। ठीक है। तो अभी लोड करिए फिर ये वाली। हाँ जी। कितना दूध कर देगी ये? 18 लीटर दूध करेगी। 18 ये दूसरे में पहला? दूसरा ब्याज। जी। और ये आगे ये भी दूसरा जी। ये भी दूसरा। ये कितने दूध की उम्मीद है इससे? ये दूध आज इसके नीचे 15 लीटर हाजिर है। 15 लीटर। हाँ जी। ब्याह कितने दिन की थी ये? ये 10 दिन की। 10 दिन की। ये देखें तो अभी सभी खाली हैं क्योंकि गाड़ी लोड हो रही है। देख सकते हैं। ये आपके यहाँ से ली थी इसका बताइए? ये पहले दिन ये आते ही ली थी हम लोग। तो ये कितने दूध कर देगी? ये पड़िया दूध 20 लीटर देगी। 20 लीटर। ब्यांत में कौन सा है? दूसरा जी। दूसरा। हाँ जी। आज इसके नीचे 16 लीटर हाजिर है। काफी बढ़िया नशे हैं इसके जो थनों पे। और ये वाली भी शायद आपके यहाँ? हाँ जी हाँ जी। ये पहला पड़िया। पहला। दांतों में कैसे? ये 4 दांत। 4 दांत जी। तो ये कितना दूध कर देगी? जैसे ये इसके नीचे 12 लीटर आज हाजिर है। अभी हाजिर है 12 लीटर। ठीक है। तो और ये पहला है। ये भी पहला। हाँ जी। ये कितना दूध करेगी? जैसे ये 14 लीटर। 14 लीटर। हाँ जी 12 लीटर आज हाजिर है। और ये दांतों में कैसे? ये 4 दांत। 4 दांत। और ये जो बाहर है कुछ ये वाली अभी? ये पहला पड़ गया। ये पहला पड़ गया। हाँ जी। तो ये बिक्री के लिए आपके पास? बिक्री के लिए। ठीक है। तो ये कितना दूध कर देगी? ये पड़िया दे देगी 12 लीटर। 12 लीटर दूध। और दांतों में कैसे है? ये 2 दांत। 2 दांत। और ये इसके साथ में बंधी हुई है? ये भी 2 दांत भाई। ये भी 2 दांत। हाँ जी। और ये इधर इसके नीचे 9 लीटर तैयार है। 9 लीटर दूध। हाँ, ये और ये दूसरा है। ये दूध में कैसे है? इसके नीचे 12 लीटर हाजिर है। अभी 12 लीटर तैयार है। बिल्कुल तैयार है जी। तो ये कहाँ से दिलाते हैं? एरिया क्या रहता है? जैसे मुक्सर में वो डब वाली तक हम लोग गए थे। राजस्थान तक गए थे जैसे आप कल गए थे? हाँ पूरा देखा हुआ है। हाँ जी। जी तो दोस्तों आते हैं आप अगर आप लोग यहाँ पर तो ये लोग आपको अच्छे से घुमा के ले लीजिए। जी बताइए 9879827224464767060। तो इन दोनों पे कांटेक्ट करके कोई आ सकता है यहाँ पर भैंस देख सकता है। तो अभी जैसे मेला लग रहा है वहाँ आने की तैयारी है क्या आपकी? हाँ जी हाँ जी आएंगे। आएंगे। हाँ जी ठीक है। जी जी। तो जैसे ये आते हैं तो वहाँ पर हम आपको वीडियो से बता देंगे। तो आगे अभी गाड़ी लोड होती है वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमने काफ़ी बार आपको वहाँ पर भैंसें उतरते हुए दिखाई हैं पंजाब की। आज लोड होते हुए दिखा रहे हैं।
ये देखें इधर एक खाट पड़ी हुई है जो एक अंदर बैठेगा वर्कर या अंदर एक लोगों को बैठने के लिए जो भैंस देखते हुए आएगा पूरा। ये देखें बढ़िया खाट। ये देखें भैंसे आ गई यहाँ पर। तो आज आपको हम दिखाएंगे भैंसे लोड होते हुए। ये देखें टोकन वगैरह सब लग गए हैं भैंसों के। बना रही है बना रही है। मज्जा लोड हो रही है। चलो तो ये दो और जाती हुई अभी। तो चार लोड हो चुके हैं, दो और अभी है, भैंस आई है। ये लेकिन बिल्कुल आराम से सब चढ़ी जानी है। तो दोस्तों अभी यहाँ से छह भैंस लोड हुई हैं और आगे जो काली व्यापारी कैंसे हम लोग ने ली थी वो भैंस वहाँ से सीधे लोड होंगी तीन और इस गाड़ी में नौ भैंस जाएंगी। तो अभी मिलते हैं हम आप लोगों को आगे वीडियो में।